लड़के का मन बदल जाता है, लड़के का मन बहल जाता है और वो दूसरी लड़की के चक्कर में फंस जाता है। ये यूं कहे तो दूसरी लड़की को अपने झांसे में ले लेता है और ये खबर जब लड़की को मिलती है और कहानी सामने आई है उसके हिसाब से मृतिका का इस अल्ताफ खान के साथ में विगत 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। घटना दिनांक को दोनों साथ में थे और सुबह पुलिस को डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी उस वक्त वो खुदकुशी करती है, उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड भी अल्ताफ खान उस जगह पर मौजूद था और दोनों रात में उसी कमरे पर सोए हुए भी थे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहूर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और जो कहानी आपको मैं आज बताने वाला हूँ, हो सकता है इस तरह की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी या पहले फिल्मों में देखी होगी कि किस तरह लड़का बेवफाई करता है और बेवफाई की आहट में यानी कि बेवफाई के दर्द में लड़की खुदकुशी कर लेती है, लड़की अपनी जान दे देती है। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, 2 सालों से इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, एक दूसरे के प्रति दोनों बहुत लॉयल्टी थे, लेकिन लड़के का मन जो है डोल जाता है, लड़के का मन बहल जाता है और वो दूसरी लड़की के चक्कर में फंस जाता है। ये यूं कहे तो दूसरी लड़की को अपने झांसे में ले लेता है और ये खबर जब लड़की को मिलती है, जब इस लड़की को इसके बारे में जानकारी होती है तो उसे लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, उसे अब ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, यही लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। और उसके बाद वो लड़की 24 जून की रात को अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूल जाती है। जिस वक्त वो फांसी के फंदे पर झूलती है, जिस वक्त वो खुदकुशी करती है, उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड भी अल्ताफ खान उस जगह पर मौजूद था और दोनों रात में उसी कमरे पर सोए हुए भी थे। लेकिन अल्ताफ खान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लड़की खुदकुशी करने वाली है, लड़की खुदकुशी कर लेगी। जिस वक्त लड़की ने खुदकुशी की, उस वक्त वहाँ पे वो लड़का मौजूद था। बकायदा उसने कमरे में जाकर यानी कि रूम पे ही जिस वक्त पंखे पे झूल रही थी, उस फंदे को कैंची से काटा। कैंची से काटने के बाद उसे ज़मीन पर सुलाकर वहाँ से भाग गया। उसने यही बड़ी गलती की पुलिस को बगैर सूचना दिए। पुलिस के पास सूचना मिलती है 25 जून को, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती पुलिस तो उसे लगता है कि कोई मर्डर हुआ है, क्योंकि सामान्य रूप से किसी के बेडरूम पर कोई लड़की की लाश मिलना अपने आप को यही सब चौंकाता है। जशपुर पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना होती है, बहुत सारे सबूत इकट्ठा करती है और सबूत के साथ साथ एक ज़रूरी जो पहलू होता है, जो आज के दौर में आधुनिक युग में तकनीक का जो इस्तेमाल पुलिस करती है, वो है कॉल डिटेल, CDR। CDR खंगालती है। CDR खंगालने पर पता चलता है कि लड़की लगातार एक लड़के से बात करी, उसका नाम है अल्ताफ खान। लड़की बलरामपुर ज़िले की रहने वाली थी और लड़का भी बलरामपुर ज़िले का रहने वाला था। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था 2 सालों से और लड़की जो है जिला पंचायत जशपुर में बिहान योजना के तहत PRP में काम करती थी। PRP एक पद का नाम है और बिहान योजना आपको मालूम होगा कि गांव में जो है ये योजना चलाई जाती है, उस योजना के तहत इसकी संविदा नियुक्ति थी। अल्ताफ खान बलरामपुर ज़िले का रहने वाला था, जो लड़का इस मामले में आरोपी बनाया गया, जिसने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया, उसे प्रेरित किया उसके सुसाइड करने के लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटती है और कॉल डिटेल जब खंगालती है, CDR खंगाले जाते हैं, तो अल्ताफ खान का इनपुट मिलता है जिससे लगातार वो बात कर रही थी। अल्ताफ खान तक पुलिस को पहुंचना था। जशपुर ज़िले की पुलिस जो है बलरामपुर ज़िले की यानी कि जो पड़ोसी ज़िला है वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। IPS शशि मोहन सिंह खुद इस मामले में जो है इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व के साथ साथ जो है इस मामले का खुलासा करने में लग जाते हैं। IPS शशि मोहन सिंह चांदो थाने की टीम को अलर्ट करती है और जशपुर पुलिस कहती है कि उस आरोपी को अल्ताफ खान को जल्द से जल्द पकड़ के लाना है, उसे गिरफ्तार करना है और यानी कि कल 1 जुलाई को उसे गिरफ्तार किया गया वहाँ से। जब अल्ताफ खान को बुलाया गया, अल्ताफ खान जो है पहले तो टाल मटोल करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा कि वो हम लोग साथ में रहते थे, मैं वहाँ से चले गया था, मैं नहीं आया था, लेकिन कहानी कुछ और थी, कॉल डिटेल कुछ और कह रहे थे। घर वालों से भी पुलिस ने जब लड़की के घर वालों से बातचीत की, उन्होंने भी कुछ जानकारी दी। अल्ताफ खान का कहना था कि मैं उस कमरे में गया हुआ था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो खुदकुशी कर लेगी। पुलिस कहती है कि भैया खुदकुशी कर रही थी उस वक्त, तुम वहाँ से भाग क्यों निकले? तो उसने पुलिस को ये बताया कि उसे डर लग रहा था, वो डर गया था और इसीलिए उस कमरे से भाग गया और भागने के बाद बकायदा फांसी के फंदे को कैंची से काटा। कैंची से काटने के बाद शव को ज़मीन पर सुलाकर वो वहाँ से भाग गया। जब पुलिस और डिटेल करती है और डिटेल में जाती है, तब पता चलता है कि अल्ताफ खान का चक्कर किसी और लड़की से चल रहा था
मोबाइल कॉल डिटेल निकाले गए, कॉल डिटेल के साथ साथ व्हाट्सअप चैट निकाले गए। व्हाट्सअप चैट से इस बात का खुलासा हुआ क्योंकि लड़की और लड़के के बीच में शादी को लेकर भी विवाद हुआ था। लड़की चाहती थी उसके साथ शादी करे और अल्ताफ खान जो है किसी और लड़की से चक्कर चला रहा था, किसी और लड़की को अपने झांसे में ले लिया था, वो शादी करने के फेवर में नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। और रात में जब दोनों उस कमरे में सो रहे थे उसी वक्त जो है अल्ताफ खान को बगैर जानकारी दिए या फिर बगैर कुछ सूचना दिए, बगैर कुछ बताए वो फांसी के फंदे पर झूल जाती है और झूलने के बाद जो है अपनी मौत को गले लगा लेती है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी रही। आप आगे देखेंगे आईपीएस शशि मोहन सिंह इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा कि प्यार मोहब्बत कोई आखिरी जिंदगी नहीं है, इसके बावजूद बहुत बड़ी जिंदगी है। उन माता पिताओं का आप सम्मान करिए जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, जिन माता पिता ने आपको दुनिया में लाया, जिन माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया है, उनके सपनों पर आप फोकस करिए, ना कि इस तरह के प्यार मोहब्बत के झांसे में आकर अपनी जिंदगी खराब करो, अपनी जिंदगी बर्बाद करो। अल्ताफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़की का नाम और फोटो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि पुलिस ने इस विषय को लेकर नए कानून आने के बाद से मना किया है। आगे आप सुनिए आईपीएस शशि मोहन सिंह इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये कहानी आपको बताना जरूरी था, ये इसके बारे में आपको बताना जरूरी था कि किस तरह से आज की युवा पीढ़ी इस तरह के झांसे में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अल्ताफ खान जो है दूसरी लड़की को झांसे में लेकर इस लड़की के साथ चीटिंग किया और उससे आहत होकर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। कोतवाली थाने में मर्ग कायम किया गया था और उसमें एक 28 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया गया, उसने जुर्म कबूल किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से मृतिका का इस अल्ताफ खान के साथ में विगत 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। घटना दिनांक को दोनों साथ में थे और सुबह पुलिस को डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी मर्ग के बाद इसे हिरासत में लेके जब पूछताछ किया गया तो जो बात सामने आई उसके हिसाब से मृतिका के द्वारा शादी करने के लिए इससे बात किया गया, इसके द्वारा इनकार किया गया, इससे क्षुब्ध होकर मृतिका के द्वारा आत्महत्या किया गया है और आगे की विवेचना की कार्रवाई जारी है।